अनुपमा सीरियल की कहानी 5 साल की लीप के साथ आगे बढ़ चुकी है, जहां पर अनुज अनुपमा एक दूसरे से अलग हो गए हैं और उनकी बेटी छोटी अनु भी इन 2 सालों में काफी बड़ी हो गई है, जिसके चलते बैरिस्टर बाबू फेम एक्ट्रेस औरा भटनागर ने शो में एंट्री ली है, जो बड़ी अनु यानी आद्या का रोल प्ले करके दर्शकों का दिल जीत रही है, जिनकी एक्टिंग दर्शकों को भी बेहद पसंद आ रही है। पर उनकी इस एक्टिंग पर शो के लिए एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने अपनी राय रखी और काफी कुछ कहा औरा भटनागर की एक्टिंग के बारे में, जिसके बारे में आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। पर उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अनुपमा सीरियल में लीप आ गया है और कहानी पूरी तरह से बदल गई है। अनुज और छोटी अनु के बाद अनुपमा भी अमेरिका पहुंच गई है और एक रेस्टोरेंट में काम कर रही है। बीते एपिसोड में देखने के लिए मिला था कि छोटी अनु उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है जहां अनुपमा काम कर रही है। छोटी अनु बनी औरा भटनागर की अपने इस रोल में एक्टिंग जबरदस्त लग रही है। लोग इन्हें इनकी एक्टिंग के चलते जितना बैरिस्टर बाबू में प्यार दे रहे थे, उतना ही छोटी अनु यानी आद्या के रूप में इन्हें खूब पसंद कर रहे हैं। पर इसी भी सीरियल में अनुपमा का किरदार निभा रही अभिनेत्री रूपाली गांगुली ने अपनी इसी ऑन स्क्रीन बेटी की एक्टिंग के बारे में अपनी बात रखी। जब उनसे पूछा गया कि औरा भटनागर उनके शो में आई है तो कैसा बॉन्ड है अपनी नई बेटी के साथ इनका, तो इन्होंने कहा कि वो बहुत ही अच्छी बच्ची है, ऑफ स्क्रीन हम लोग काफी मजे करते हैं और बच्ची कमाल की एक्टिंग करती है। जब भी मैं उसे एक्टिंग करते हुए देखती हूँ तो हैरान रहती हूँ। मैं उसकी एक्टिंग देखती हूँ और फिर उसकी उम्र देखती हूँ तो हैरान रह जाती हूँ। इतनी सी उम्र में उसके एक्सप्रेशन भी कमाल के होते हैं। मुझे तो औरा भटनागर के साथ काम करके काफी मजा आ रहा है, लेकिन मैं छोटी वाली अनु को भी मिस करती हूँ। दोस्तों, आपको औरा भटनागर की एक्टिंग शो में कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।